और ये विनर है बहुत ही, ये नेपाल का 3 स्टार होटल है डार से होटल, बहुत ही अच्छा लगा, देखिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का सफर है लखनऊ से नेपालगंज, जहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप लखनऊ से नेपालगंज जाते हैं तो किस तरह जाएंगे, कैसे सर्विस है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं कैसरबाग बस स्टेशन, जहाँ पे आपको ऑर्डिनरी और एसी दोनों बस मिलेगी। हम लोगों ने एसी बस लिया और कैसरबाग से निकल चुके हैं, और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे एक ढाबे पे हमारी बस होगी, जहाँ पे पैसेंजर देखिए नाश्ता पानी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक लिया और दाना भुना वाला लिया, और हम लोग की बस यहाँ से निकल रही है। और ये देखिए व्यू है रास्ते का। मौसम इस टाइम में काफ़ी गर्म है, 2 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी आज धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का कैसा मौसम है। और हम लोग को जाते हुए रास्ते में ये देखिए ये घाघरा नदी दिखी। हम लोग की जो बस है वो कैसरबाग से बहराइच से जाएगी, वहाँ से फिर हम लोग दूसरी बस चेंज करेंगे जो बहराइच रुपियाडी, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर है, वहाँ तक लेके जाएगी, फिर वहाँ से हम लोग नेपाल में इंटर करेंगे। तो ये देखिए रास्ते में जो है जो नदी है घाघरा नदी, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितनी बड़ी नदी है। और हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम बहराइच, ये बहराइच बस स्टॉप है। और मैं बता दूं आपको कि जो हम लोगों ने बस वहां से ली थी, जिस बस से हम लोग बहराइच आए थे, वो इसी जन्नत बस थी जिसका किराया लखनऊ से बहराइच का 292 रुपीज था। और यहां से अब हम लोग ई रिक्शा करेंगे और यहां से जाएंगे जहां से रुपियाडी के लिए नानपारा के लिए बस मिलती है, क्योंकि नानपारा से थोड़ी दूर 25 किलोमीटर के बाद जो है रुपियाडी है, नानपारा एक तहसील है। तो ये रिक्शा कर लिया हम लोगों ने और रिक्शा से जाएंगे जहाँ पे बताया इन्होंने कि बस वहाँ से मिलती है। और हम लोग का भी पहला सफ़र है नेपालगंज के लिए और दिखाएंगे आपको। और ये देखिए बीच में एक नदी है और बस हम लोगों को मिल गई, ये देखिए बस है, ड्राइवर साहब चला रहे हैं, ये हम लोगों को लेके चलेंगे रुपियाडी नेपाल बॉर्डर पर। और ये देखिए ये बीच में रुपियाडी से पहले इसलिए नानपारा तहसील है, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। नानपारा तहसील से 25 किलोमीटर दूर जो है नेपाल भारत की जो सीमा लगती है वहाँ हम लोग चल रहे हैं, वहाँ से फिर आपको दिखाएंगे। और अब हम लोग पहुँच गए यहाँ पे भारत नेपाल सीमा, और बस से हम लोगों ने फिर रिक्शा लिया और वहाँ से फिर हम लोग ये इससे बॉर्डर तक आए, चूँकि जो रिक्शा है वो इसी बॉर्डर तक आता है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान और बॉर्डर जब पार करेंगे वहाँ से फिर हम लोगों को नेपाली रिक्शा टैक्सी करनी पड़ेगी। आज यहाँ पे ज़्यादातर ई रिक्शा ही चलते हैं। तो हम लोग चलिए अब ये भारत नेपाल बॉर्डर है, इसको हमने इंटर किया और यहाँ इंटर करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, देखिए एक होटल डायमंड पैलेस होटल है जो यहाँ का 3 स्टार होटल है, इसमें चलते हैं और यहाँ पे पूछते हैं और यहीं पे स्टे करेंगे अगर सब कुछ बेहतर रहा तो। होटल अपने को 1 बजे तक रहने दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे नेपाल में एक बात है, यहाँ पे जल्दी मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो हम लोग आ गए इंटर और कर गए, और यहाँ पे हमारे साथियों ने यहाँ पे होटल बुक किया और इन्होंने मुझे 3000 इंडियन रुपीज़ में 1 डे के लिए
जो है ये होटल दिया है, कल हम लोगों को 1 बजे यहाँ से चेकआउट करना होगा। तो चलिए जो रूम दिया है इन्होंने उसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसा रूम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और होटल हम लोगों को जो रूम मिला है होटल में वो 6th फ्लोर पर मिला है, काफ़ी ऊपर है। यहाँ से देखिए नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और हम लोग इंटर कर गए रूम के अंदर और ये देखिए ये बेड्स वगैरह हैं और ये देखिए टीवी है। ये हमारे दो साथी अंकुर मिश्रा और रियाज भाई, तो देखिए यहाँ का वाशरूम या टब वगैरह है यहाँ पे। थैंक यू। और वाशरूम भी इनका काफी साफ सुथरा है, अच्छा है। ये देखिए टब है नहाने के लिए और यहाँ पे पेस्ट वगैरह अवेलेबल है और ये सोप है, ये एयर कंडीशनर है। ये 3 बेड है तो 3 जो है यहाँ पे पेस्ट है, टूथ पेस्ट और ब्रश है और ये मिरर है बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती तो आप यहीं से कॉल कर सकते हैं, पानी वगैरह ख़त्म हुआ तो। मेरी चाय फिनिश हो गई, ये शुगर है, ये मिल्क है, शुगर है, हिमालयन ऑर्गेनिक ब्लैक टी, ब्रेकफास्ट टी। चाय बना रहे हैं ये और यहाँ पे चाय की फैसिलिटी है, यहाँ पे केटल रखी हुई है, आप अपने से चाय बना सकते हैं, शुगर और मिल्क सारी चीज़ें हैं। और साइड में ये फ्रिज भी छोटा सा दिया हुआ जिसमें पानी ये ठंडा रखने के लिए है। और बहुत ही अच्छा ये रूम है, 3-स्टार होटल है, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। और वाशरूम वगैरह बहुत अच्छा है, 2 AC इसमें लगी हुई है, एक इस साइड है। देखिए फ़ोन तो रहता ही है सभी होटल में सर्विस के लिए, टीवी भी है चल रहा है। और अभी हम लोग का रात का टाइम हो गया है और अब सोने जा रहे हैं। सुबह यहाँ पे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में हम लोग नहाने जाएंगे और देखेंगे यहाँ का, एंजॉय करेंगे।